और आज हम आपको ऐसे प्लेयर से मिलवाएंगे जिन्होंने 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाए हैं। और ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज हम आपको युवराज सिंह से मिलवाने जा रहे हैं, लेकिन हम आपको युवराज सिंह से नहीं लेकिन करनाल के युवराज सिंह से मिलवाएंगे। मोहित कल्याण है उनका नाम, जिन्होंने 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाए थे। और आप देख सकते हैं कि आज हम क्रिकेट अकेडमी ऑफ नरवाल में पहुंचे हैं, जो कि निशान पब्लिक स्कूल में है, जहाँ के एक खिलाड़ी ने यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए दिल्ली के एक मैच के अंदर 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाए। क्योंकि आप समझिए कि 6 बॉलों पे चौके लगाना काफी ज्यादा आसान रहता है, लेकिन छक्के लगाना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे साथ मोहित कल्याण है, उनसे बात करते हैं। मोहित जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मोहित कल्याण है और राइट हैंड बैट्समैन हूँ मैं, और यहीं पे क्रिकेट अकेडमी ऑफ नरवाल में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आपने एक मैच के अंदर 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाए, तो ये तो देखिए कि बहुत कम ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने ये कारनामा किया है, तो उस मैच के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। वो DDCA लीग का मैच था और अच्छा मैच था वो। हम 202 चेज कर रहे थे 40 ओवर में, बैटिंग अच्छी हो रही थी, तो दिन अच्छा था मेरा उस दिन, तो लग गए 6 छक्के बस। तो आपने जैसे मान लो एक छक्का लगाया, तो हम तो ये सोचते हैं कि एक सिक्स लगाया तो सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट कर लें, तो आपने किस तरह से जैसे मान लो मन में लगा कि आज 6 छक्के ही मारने हैं? नहीं, होता नॉर्मली ऐसा ही है, लेकिन उस दिन ऐसा था दिमाग में कि हम लोग मैच में ऊपर थे ऑलरेडी, क्योंकि स्कोर कम चेज कर रहे थे, विकेट काफ़ी अच्छा था, तो 2-3 लगने के बाद दिमाग में चल रहा था कि भाई लग सकते हैं, और 4 लगने के बाद तो मेरे को क्लियर ही हो गया था कि हो जाएगा काम, फिर वो लग गया सर। दिन अच्छा था मेरा उस दिन। तो दिन अच्छा था, दिन भी चाहिए होता है बैट्समैन को। तो उस मैच के अंदर आपने कितने रन बनाए? मैंने 100 रन कर दिए थे उस मैच में, 50-55 बॉलों पे 100 रन बनाए थे। तो काफी अच्छा स्कोर उस दिन 100 बनाया आपने। हाँ जी सर। तो पीछे भी एक पटौदी का मैच हुआ, उसमें भी आपने काफी अच्छा लंबा स्कोर किया, वो भी एक शायद कॉन्फिडेंस ही था उन 6 छक्कों का। हाँ जी सर, वो डिस्ट्रिक्ट का मैच था हमारा अभी, उसमें मैंने 170 रन बनाए थे। उस कॉन्फिडेंट था मैं, 6 छक्के मारने के बाद थोड़ा सा दिमाग में रहता ही है, बैट्समैन ऊपर रहता ही है, इसलिए उस दिन भी भगवान ने साथ दिया मेरा और रन बने मेरे। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाए और इतने लंबे लंबे स्कोर बनाए, आपको भी घर बैठ के लगता होगा कि काफी ज्यादा आसान ये टास्क रहता है। बैट उठाया और अपना ग्राउंड में चले गए, बैट घुमाया, छक्का चौका लग गया। लेकिन मोहित जी से पूछेंगे कि इसके पीछे कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्रिकेटर को क्रिकेट खेलने के लिए, अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए? सर, हर प्लेयर की अपनी अलग प्रिपरेशन होती है, मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है, हर कोई अपने तरीके से प्रिपेयर करता है। और लेकिन मैं मतलब मेरा शेड्यूल ये है कि मैं सुबह ग्राउंड पे आता हूँ ट्रेनिंग के लिए, भैया ने, सुमित भैया ने मुझे शेड्यूल दे रखा है बना के, पूरा दिन मेरा पहले ही सेट होता है। सुबह मैं रनिंग की करता हूँ और ड्रिल करता हूँ अपनी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग से रिलेटेड, उसके बाद 10 बजे मैं जिम करता हूँ, स्ट्रेंथ का सेशन होता है मेरा, और फिर 2:30 बजे से लेकर शाम, मतलब अंधेरा नहीं हो जाता जब तक, तब तक मैं ग्राउंड पर ही रहता हूँ और बैटिंग नेट्स फील्डिंग जो भी होता है क्रिकेटर करता है वो सब करता हूँ। तो आप देखिए कि कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक प्लेयर प्लेयर बनता है। आप देख सकते हैं कि फिटनेस कितनी ज़बरदस्त है इनकी, वो फिटनेस करने के लिए आज सुबह से लेके अलग अलग सेशन के अंदर, कभी फील्डिंग का सेशन आता है, बैटिंग का सेशन आता है, जिम भी जाते हैं, तो ये सभी चीज़ें करने के बाद एक प्लेयर प्लेयर बनता है। तो आपके कोच यहाँ पे, आपकी अकेडमी का नाम और आपके कोच का नाम? क्रिकेट अकेडमी ऑफ नरवाल नाम है अकेडमी का, निशान पब्लिक स्कूल में आए, और सुमित नरवाल जी मेरे कोच हैं। तो सुमित नरवाल जी से भी आपकी बात कराएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। शाम का टाइम है, यहाँ पर सुबह भी इसी तरह से बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और शाम को भी करते हैं। और यहाँ के काफ़ी प्लेयर, नवदीप सैनी भी, आपको पता है नवदीप सैनी का इंटरनेशनल प्लेयर है, और वो भी इसी अकेडमी से गए हुए हैं, और निशान पब्लिक स्कूल में ये अकेडमी है। सुमित जी हमारे साथ हैं। सुमित जी, क्या हाल है जी? पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू अरिजीत भाई, कैसे हैं आप लोग? बस आपसे सीधा एक ही सवाल है कि आपकी अकेडमी में ऐसी कैसी कोचिंग होती है कि आपकी अकेडमी से ही सभी प्लेयर आगे अच्छे लेवल पे जाके खेलते हैं? नहीं नहीं, देखो ऐसा कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, बट ये कि हम लोग जैसे यहाँ पे सारे नॉर्मली अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अपनी जो भी नॉलेज है वो बच्चों के साथ शेयर करते हैं। और आई थिंक सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नॉलेज ही है क्रिकेट के बारे में, टेक्निक और ये सब चीज़ें तो आप लोग किताब में भी पढ़ सकते हो, आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, बट जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है आदमी का, जो उसकी नॉलेज गेम खेल के आती है, वो चीज़ें जो बच्चों को शेयर करते हैं उनसे उनको आई थिंक फ़र्क पड़ता है काफ़ी। तो आउटडोर गेम्स के क्या क्या फायदे थे सुमित जी ने बताया, और अपनी एकेडमी के बारे में भी सारा कुछ बताया। आप सभी लोगों से अपील भी रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें। मैं हूं हरजीत वर्मा, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।